दिवाली पास आ गई, काफी पास आ गई, बस 2 दिन और, सिर्फ 2 दिन और दिवाली है। और मेरे यहाँ पे सब जगह पे बहुत प्यारी डेकोरेशन हो गई है। लेट मी शो यू कि कैसा लग रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि हाँ वाओ, फाइनली जो पूरे साल वेट करते हैं लाइटिंग का और सबका, वो यहाँ पे सब सज गया है। ये देखिए बिल्डिंग्स पे ये लड़ियाँ लगी हुई हैं, सामने भी लगी हुई हैं, सब जगह पे सबने अलग अलग भी लगा रखी हैं। इधर भी लगी हुई है, साइड में भी लगी है, नीचे भी पार्क में है, पार्क में भी ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये सब जगह पे जहाँ भी है। और ये बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे करके, सब जगह पे लगेंगी ये सारी लाइटिंग, और अच्छे से हो जाएगी। तो दिस इज लाइक मेसमराइजिंग मी, मेकिंग मी फील हैप्पी। आई होप यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम फीलिंग्स, बिकॉज ये पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार है। मैं कल जाऊंगी कुछ दिवाली की डेकोरेशन की शॉपिंग करने के लिए, साथ ही साथ जो है कल है शौर्य के स्कूल में फंक्शन, तो स्पोर्ट्स का फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी है, तो कल उसके स्कूल जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी कुछ शॉपिंग करने। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ें खरीदने वाली हूँ। तो मैंने ये एक्चुअली व्लॉग अभी शुरू नहीं करी थी, पर बस मेरा मन किया कि इतना सुंदर सब कुछ, सब इतना प्यारा लग रहा है कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा शूट कर देती हूँ। पर ये वाला जो ब्लॉग है ये ऑफिशियली मैं मॉर्निंग में ही इसको शुरू करूँगी, तो ये अभी दिस इज़ फ्राइडे एंड ऑन मंडे वी हैव दिवाली, तो अभी 2 दिन है और इन 2 दिन में संडे को जो है धनतेरस है और मंडे को दिवाली है, तो कल का दिन है, कल जो कुछ भी मुझे लाना है क्योंकि फिर लगाना भी है, तो सफाई दिवाली की सफाई चल रही है, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ जो है मेरा जो थोड़ा बिजनेस का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हो गई थी, बट यू हैव कम, यस कम। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, स्टे ट्यून्ड। मैं बाहर लाइट्स को निहार रही हूँ। कितनी पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते सो गया है। वो चौथा आज मैं बच गया ड्राइविंग से थोड़ी सी। मैं ऑफिस गया हूँ, फिर ऑफिस आया हूँ यहाँ पे। दोबारा यहीं पे ऑफिस आया हूँ मैं। अच्छा मटेरियल ऑफिस यहाँ बाइक मेरे बस की गाड़ी। तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है बड़ा, क्या धूप निकली है भाई, बड़ी तेज धूप निकली हुई है। और अब जो है हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, पिकू तो अभी साथ में जाएगी, शौर्य का आज स्पोर्ट्स इवेंट है तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए जा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं उसके अलावा दिवाली की डेकोरेशन की शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ मॉर्निंग से मैं व्लॉग शूट करूंगी, तो अभी मॉर्निंग में जो है हम जा रहे हैं, और मैं आपको जितना शूट कर पाऊंगी उतना मैं मार्केट भी दिखाऊंगी कि कितना जो है यहाँ पे मैंने परचेज किया और क्या क्या लिया। तो यहाँ पे अभी चलते हैं, आई होप बस गर्मी इतनी ना हो कि टॉलरेट ही ना हो पाए। हाँ बेटा, तो बने रहिए व्लॉग में आगे। और बिफोर वी कंटिन्यू, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो थम्स अप दे दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, मैं आगे शूट करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या मैं आज दिवाली के लिए शॉपिंग करने वाली हूँ, और देखते हैं कैसा रहता है इवेंट। आई होप बस धूप में कोई ना बिठाए। चलो भाई आ गई, शुरू हो गई। हाँ बेटा, क्या होती थी? छन्नी, रंगोली। रंगोली, रंगोली के लिए? ओके ओके, जिसमें ऐसे ऐसे डालते थे और नीचे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ पता, वो उसमें तो घर पे कोई बात नहीं, मैं आज आपको नया दिला दूंगी। पीको भैया फोन तो छोड़ दो, छोड़ दो, कितना गंदा बच्चा है। मेकअप किट, मेकअप किट देख रहे हो? अच्छा चलो, हाँ हाँ मेकअप किट।
ठीक है। क्या हो गया इसमें? मम्मा कुछ हो गया। लिफ्ट में इंटरनेट बंद हो जाता है। गाड़ी पर डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कहाँ पर है। इंटरनेट कनेक्शन तो बेटा उसी पे डिपेंड करेगा, समझे? गाड़ी में ही आ जाएगा। गाड़ी की बात नहीं होती, बात होती है आउटडोर स्पेस और इंडोर स्पेस की बेटा, ठीक है? गाड़ी पे भी मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, गाड़ी जब बाहर होगी तो पक्का आ जाएगी। Oh,
तो यहाँ पर शौर्य जो है वो ऑडियंस में बैठा था और बाकी मैचेस जो थे यहाँ पर चल रहे थे, ताइक्वांडो एंड रेसेस और काफ़ी कुछ। तो मेन जो अट्रैक्शन हमारे लिए था कि शौर्य का डांस मिस नहीं हो, और हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि फर्स्ट बिगिनिंग में है या लास्ट है, बट फॉर्चुनेटली वी रीच्ड वेरी करेक्ट टाइम, तो हमें पूरा का पूरा डांस जो है वो देखने को मिल गया। बाद में स्पोर्ट्स थे लेकिन उतनी देर हम रुक नहीं पाए, एंड वी जस्ट लेट यू नो शौर्य टू इन्जॉय दी ऑल द स्पोर्ट्स, बट हम लोग वापस चले आए। थोड़े से और स्पोर्ट्स हमने देखे जो जितना हम देख सकते थे, तो उसके बाद तो इट्स लाइक रियली वंडरफुल टू सी किड्स जब वो इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रियली उनको जो है बहुत एक्सपोजर मिलता है, इवन चाहे वो एज अ डांस में करें या एज अ प्लेयर करें, एज एनी अदर ड्यूटी, इवन जैसे डिसिप्लिन इंचार्ज भी होते हैं, बच्चे बनते हैं, तो दे रियली इंजॉय ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम। तो स्पोर्ट्स इवेंट है या कोई फेयर्स होते हैं और द एनुअल डेज इन द स्कूल और द डिफरेंट एक्टिविटीज़, एनी वन ऑफ दीज किड शुड पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, उसको मल्टीपल यू नो चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, वन टाइम वन ड्यूटी हो सकती है, बट थ्रू आउट द स्कूलिंग उस बच्चे को जो है आदत होनी चाहिए कि हर तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। तो यहाँ पर रेसिंग्स बच्चे शुरू कर चुके थे, तो यू आर वॉचिंग इट एंड इट वॉज वेरी नाइस टू सी, वी आर चेयरिंग अप किड्स and it was all in all a good experience to visit the school. इसके बाद हम लोग after schooling जो है कहीं पर भी बाहर जाएंगे। तो बने रहिए vlog में, और अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिएगा, and उसके बाद शाम को जब हम market जाएंगे तो देखेंगे, it is like end shopping हम लोग करेंगे, और last moment तक कुछ ना कुछ तो काम आता ही रहता है। Good, sir. Play number one, Garbanzal.
एंड नंबर टू गर्भुटीजा, एंड नंबर थ्री करंटा, एंड नंबर फोर ध्रुव नरवाल, लेन नंबर फाइव एकाक्ष दिमान, एंड लेन नंबर सिक्स प्रतीक पनवर। प्लीज लिसन टू द फ्लैपर। एथलीट्स ऑन योर मार्क गेट्स शाम को हम गए शॉपिंग के लिए क्योंकि दिवाली पे पता नहीं फेस्टिवल भी मेरे साथ ही होता है या कि सबके साथ होता है, आई डोंट नो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब तक त्यौहार मतलब चल पहुंचते हैं, जब तक त्यौहार वाले दिन, तब तक पता नहीं रोज़ ऐसा लगता है कि अच्छा ये कमी रह गई, अच्छा ये ज़रूरत रह गई, अभी इस चीज़ को मतलब भूल गए लाना, या ये आ सकता है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी तो मतलब लिस्ट पता नहीं क्यों कई बार एंडलेस हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ऑन द स्पॉट नहीं मिलती हैं, पर नेक्स्ट डे याद आता तो फिर ढूंढने लग जाते हैं। बट ऑल इन ऑल ये फेस्टिवल में आई होप सॉर्टेड हो जाए सब चीज़ें और सेटिस्फाई होके ही सारी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता कुछ छूट गया। बट सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है वो होता है आपका फेस्टिव मूड। तो यहाँ पर हम जो है
कुछ डेकोरेशन के सामान के लिए गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे फ्लावर्स हो गए, लाइटिंग हो गई, और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। सो वो मैं सर्च कर रही थी, एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ लिया। उसके अलावा यहाँ पर मेन अट्रैक्शन जो मुझे लगा ना जब हम गए आज, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सी जो है स्टैचूज़ लगा रखी थी एंट्रेंस के ऊपर, यू नो राम जी का दरबार ही लगा रखा था, जहाँ पर कि फूल थे और राम जी थे, सीता जी थी, और बाकी ऐसा लगा रखा था कि इट इज़ लाइक पिक्चर परफेक्ट लोकेशन बनाई हुई थी। तो फेस्टिवल्स के टाइम पे ना ये बड़ा अच्छा लगता है कि सब जगह पे आपको हर एक चीज़ जो है बड़ी डेकोरेटेड मिलती है। पीकू यहाँ ट्राई कर रही थी ये वाला झूला, और ये पता नहीं इसको अच्छा लगता है, और मेरी तो मतलब मैं डेयर नहीं कर पाती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस झूले पे कभी झूलूंगी भी, बट ये पता नहीं कैसे झूल लेती है, उसको डर भी नहीं लगता। माई गॉड, मुझे लगता है बच्चों को जनरली डर लगता भी नहीं है, क्योंकि वो उस वाले इमोशन के साथ ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, उनको ज़्यादातर मेरे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग करी और साथ ही साथ जो है कुछ दिए भी लिए, और आप लाइटिंग कितनी भी लगा लो, मेनली जो है आपको वो कोरे दिए तो चाहिए चाहिए, उसके बिना दिवाली अधूरी लगती है। आज भी मिट्टी के जो खाली दिए होते हैं, चाहे वो डेकोरेटेड हो या ना हो, पर मिट्टी के दिए लगाए बिना जो है दिवाली पूरी नहीं होती है। डरावन नहीं हो जाता है? मुझे तो डर लगता है उसमें झूले पे, वहाँ झूलने में। झूला मेरे से नहीं झूला जाता भाई। ये है जब हम वापस आए सोसाइटी में, तो इट इज़ द फाइनल लुक। तो ये कुछ ऐसे दिख रही है हमारी सोसाइटी दिवाली के मौके पे, कितनी अच्छी सोसाइटी को सजाया गया है, ये मतलब देखते ही बन रहा है। लाइटिंग इज़ लाइक सुपर्ब, और आप किसी भी तरफ से निकलोगे तो यू विल फाइंड कि पूरी तरह से मतलब एवरीवेयर पीपल हैव देयर डिफरेंट लाइटिंग ऑल्सो, इवन द बिल्डिंग हैविंग द कॉमन लाइटिंग। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा दिख रहा था, और ये मैं जितना हो सके कोशिश कर रही थी कैप्चर करने की, तो कभी मैं इधर देख रही हूँ कभी उधर, बट इट इज़ लाइक सुपर, बहुत अच्छा लग रहा था। और बीच बीच में जो अपनी पर्सनल लाइटिंग लोगों ने करी है ना, वो तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैसमराइजिंग, क्योंकि इतनी यूनिक लग रही थी ना, एक कॉमन लड़ियों के बीच में इतना अलग से दिख रही थी, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये है मेरी फाइनली सोसाइटी का फाइनल लुक ऑन दिवाली। इसके साथ ही मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और अब अगला व्लॉग आएगा दिवाली के दिन का व्लॉग, तो दिवाली के व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, और बहुत अच्छे से आपकी दिवाली भी जाए, और बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं मेरी तरफ से मेरी YouTube फैमिली को। और जितनी बड़ी हमारी फैमिली होती जाएगी, हम हर त्यौहार हर दिन इसी तरीके से हर व्लॉग में सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो आई होप आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुई होगी। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।